तो माशाल्लाह 16 रुपए रोटी हो गई है, तो अब लोग सिर्फ रोटी खाएंगे और तो कुछ काम है ही नहीं। पेट्रोल पे तो पैसे बढ़ा दिए, फायदा क्या हुआ? ये दूसरों को चोर बोलते थे, खुद वो डाकू निकले, नाम नहीं लूंगा लेकिन घड़ी चोर कहतूंगा, खुद ही समझ जाएंगे आप। मार्केट वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा इस बार, मजे लेने थोड़ी बैठे, काम करने बैठे भाई। वकास भाई, धंधा कैसा चल रहा है बता? गंदा तो मेरे भाई गंदा ही चल रहा है, सबको पता गंदा चल रहा है। बिल्कुल, गंदे लोग हैं तो गंदा ही चलेगा। वो तो कह रहे थे कि 20 रुपए की थी, अब हमने 16 की कर दी, झूठ बोल रहे हैं। अब वो पता नहीं, शायद उनके कहीं इलाके में मिली होगी। तो भाई रोटी कर दी है हुकूमत ने 16 रुपए की, माशाल्लाह से 4 रुपए बचा के अब पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या है लोगों के तासुरात, थोड़ा सा लोगों से जानते हैं। ये बताएं, हुकूमत ने कर दी है रोटी 16 रुपए, 16 रुपए की रोटी हो गई, अब बताएं पाकिस्तान कितनी तरक्की कर लेगा? तरक्की में थोड़ी है, बर्बादी में। पेट्रोल पे तो पैसे बढ़ा दिए, फायदा क्या हुआ? नहीं हुआ भाई, कुछ भी फायदा नहीं है। पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे, अब आप लोग जो है यहाँ पर आके बोलते हो चेक कौन कर रहा है 16 रुपए की रोटी? रोटी तो वही रेट की मिल रही है 30 रुपए की। ये बताएं इसमें आवाम की क्या गलती है? आवाम की गलती इतनी है कि बस हर जो आ रहा है उसको लबैक कह रहा है, उसकी बात को वेलकम कर रहा है। मैं बोलता हूँ कहीं अपने आप को जो है कहीं दिखाएं कि हमारा जो है ये हुक्मरान जो है ये हमारे लिए बेहतर नहीं है या बेहतर है। रियान भाई ये बताएं कि अभी कारोबार कैसा चल रहा है? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रहा है। तो ये पीछे मार्केट वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा इस बार, मजे लेने थोड़ी बैठे, काम करने बैठे भाई। वकास भाई, धंधा कैसा चल रहा है बता? गंदा तो मेरे भाई गंदा ही चल रहा है, सबको पता गंदा चल रहा है। बिल्कुल, गंदे लोग हैं तो गंदा ही चलेगा। कौन है ये गंदे लोग जरा बता दे? सभी है मेरे भाई, जो दूसरों को चोर बोलते थे, खुद वो डाकू निकले, नाम नहीं लूंगा लेकिन घड़ी चोर कहतूंगा, खुद ही समझ जाएंगे आप। 16 रुपए बर्बादी होगी, बर्बादी होगी, तरक्की में क्या है मेरे भाई, आप खुद बताओ। माशाल्लाह पहले अगर 30,000 भी तनख्वाह दी तो इंसान खुश था, अब तो 35-40,000 भी हो गई तो भी खुश नहीं। आम रूटिंग वाला तो समझो मर गया। इस टाइम पे जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर तो अमीर होता जा रहा है। 30 रुपए की रोटी है जी? वो तो कह रहे थे कि 20 रुपए की थी, अब हमने 16 की कर दी, झूठ बोल रहे हैं। अब वो पता नहीं, शायद उनके कहीं इलाके में मिल रही होगी, मिल रही होगी। हमें तो नहीं मिल रही भाई, हमें तो वही रेट की मिल रही है जो रेट की आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि तरक्की की पहली सीढ़ी नहीं है ये रोटी 16 रुपए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपको लगता है कि आवाम कुछ बोलती है तो कोई सुनने वाला भी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनते क्या? कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। तो फिर आवाम कैसे बोलेगी? आवाम बोलेगी जब आएगी, तरीके से रोड पे आएगी, तरीके से मामला करेगी तो बोलेगी, और बोलने वाले सुनेंगे भी, सुनने वाले सुनेंगे भी। अभी हमारी आवाम ही बाहर नहीं निकल पा रही है। सर ये जो आवाम जब बाहर बीच में निकली थी तो काले डाले लग रहे थे आज, अभी इसका क्या करे? हाँ पूरा तरक्की कर रहा है यार, क्या कर जाएगा? अब तो माशाल्लाह 16 रुपए रोटी हो गई है, तो अब लोग सिर्फ रोटी खाएंगे और तो कुछ काम है ही नहीं। रोटी खाएंगे बस। ये बताएं पहले कितनी खाते थे, अब कितनी खा रहे हैं आज? पहले 1-2 खाते थे, अब 10-12 खा लेंगे भाई 16 की कर दी तो। माशाल्लाह 10-12, और क्या है, सस्ती करी रोटी है भाई, काम करने के वो करें। ये रोटी सस्ती करी करती महंगाई में, लोहे पे पैसे कम कर रहे हैं, उस पर कम कर रहे हैं भाई। रोटी आटा दाल चीनी इन पे कम करो तो गरीब खा लेगा, अमीर तो बेचारा अमीर हो रहा है, गरीब तो मरे जा रहे हैं। अच्छा तो आप बड़े तपे हुए, सबसे ही तपे हुए भाई, जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा जब तक कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क का। आप देख लें अफगानिस्तान को आज माशाल्लाह किस तरफ जा रहा है, तो जिस दिन दीन तख्त पे आएगा सबके सब मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर अभी तो जो हुकूमत आई उन्होंने 16 रुपए की रोटी कर दी है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में? हुकूमत कोई नई तो नहीं आई भाई, सारे ही डाकू हैं ये, इन्होंने जो पहले मुल्क का बेड़ा गरक किया है, कोई नया चेहरा हो तो समझ में आया, हाँ भाई इस पर भरोसा किया, ये भी ऐसा निकल गया, सारे ही चोर हैं घूम फिर के सब, ये वही आना है तो मुल्क को तबाही की तरफ जाता रहेगा, मजीद और बेड़ा गरक ही होना, कोई खुशहाली नहीं आनी। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए सब फैसिलिटीज है भाई। लेकिन अभी पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दो, हमें मसला नहीं है, रोटी वगैरह दाल चावल घी वगैरह ये सस्ता करो, हमें ये खाना है, हमें पेट्रोल नहीं खाना, हम पैदल आ जाएंगे चले जाएंगे जब ज्यादा खा लेंगे। लेकिन पहले देखे 20 रुपए की थी, 4 रुपए की जो बचत हो रही है, इसका कुछ नफा तो मिलेगा ना? नफा इन्होंने देखो ना, खाली घर की गैस तो पहले ही बंद कर दी। अब बाहर आवाम तो आएगी ना यार, बाहर से लेना, अभी तो रोटी सस्ती करी है। सस्ती तो उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए करी, हमारे फायदे के लिए 16 रुपए की भी रोटी रोटी है यार, तुम खुद बताओ। माशाल्लाह से एक अफराद अगर 100 रुपए का खाना खा लेगा, नहीं खाएगा, पहले तो खाता था थोड़ी खाएगा। ये बताएं कि रोटी कितने की होनी चाहिए फिर? कम से कम भाई जो पहले हम खाते थे ना 2.5 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की बस। हर जाहिर बात है जब आवाम बाहर निकलेगी तो एक दिन लगेंगे डाले, दो दिन लगेंगे, तीसरे दिन तो हमारे सुनवाई होगी ना, कम से कम जो है ना हम पीछे हट जाते हैं बस। हालांकि हमारे लिए अभी इस टाइम कोई बेहतर नहीं है, कोई मुखलिस आ जाए तो अल्लाह पाक, कोई वली आ जाए तो हमारे लिए। आप ये कह रहे हैं कि आवाम को जिहाद पे निकल जाना चाहिए?
जहाज पे निकल जाना चाहिए। जहाज सबसे बड़ा बच्चों को कमाने के लिए सबसे बड़ा जहाज ही है ये कारोबार। जी कारोबार। बिजली के बिल के पैसे बढ़े, गैस के बिल के पैसे बढ़े, सही है। पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, सीएनजी पे पैसे बढ़ गए, फायदा क्या? अगर आटे पे पैसे कम कर दिए उसका भी एडवांटेज नहीं मिल रहा आवाम को। लेकिन सर पेट्रोल भी तो एक जरूरी आइटम होता है ना? नहीं भाई, वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। जरूरी आइटम, गरीब पैदल चल जाता है, अमीर नहीं चलता। तो साइकिल ले लेंगे भाई, साइकिल ले लेंगे। तो ये बताएं अभी क्या हल है, अगर ये 16 रुपए से भी आवाम खुश नहीं है तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि आवाम खुश हो जाए? आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जो ये हमारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए फ्री पेट्रोल बिजली गैस है, हमें तो गैस बिजली नहीं पूरा कर दिया है, दूसरी चीज़ आप छोड़ ही दो, गैस कम करवाओ, बिजली कम करवाओ, तो समझ में आया आवाम के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तो आवाम के लिए रोटी सस्ती कर दी, आसान कर दिया हमारे ऊपर, बस 5 रुपए में समझ आ रहा है। 5 रुपए की रोटी चलो समझ में आती, गरीब आवाम के लिए। अमीर तो ले लेगा, फौरन जाएगा, लाइन भी नहीं लगाएगा, उसको 10 रोटी फौरन लेगा। हम तो सोचेंगे यार माशाल्लाह 4 बच्चे हैं तो 4 ही लेनी पड़ेगी, 5 थोड़ी खिला लेंगे उसको यार। रेंज ये बताएं कि फिलहाल अभी आपकी क्या राय है, हुकूमत को और मजीद क्या करना चाहिए, सस्ताई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो यार चाहिए, मकसद जिस हिसाब से महंगाई चल रही है ना गरीब आवाम के लिए, तो मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल है। मुझ जैसा ही लगा लो यार, मेरा भी अपना रेंट का घर है, दिहाड़ी पे मैं भी काम करता हूँ, तो मैं भी बहुत उससे खटक होके चलता हूँ कि बहुत खर्चे अपने रोक लेता हूँ, ज्यादातर फालतू खर्चा रोक के घर के मामला देख के फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन सर रोटी सस्ती करी तो है, रोटी सस्ती करने से क्या हो जाता है, 4 रुपए की रोटी सस्ती करके और जो बाकी अशिया है, जो 20,000 का राशन आज 60,000 पे पहुंच गया है, उसका क्या कहेंगे आप? इधर रोटी सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, ये सब बराबर नहीं हो गया? बराबर से नहीं, बराबर से भी ऊपर हो गया मेरा भाई। सोना देख ले आज आप कहाँ पर है, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया सारा दिन। या आप दुकान के अंदर का हाल देख लें, सारा दिन का यही हाल है भाई, लोग कहाँ से खरीदेंगे? रोटी पूरी कर लें बहुत बड़ी बात है, सोना तो बहुत दूर है। सर ये आखिरी में ये बता दें कि क्या हल है, कोई हल बता दें। मैंने आपको हल बताया कि सिर्फ दीन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह हर मसला हल हो जाएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए कि ये लोग सही हो जाए, या इनको क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात सही हो? इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसका हल ही नहीं है। हुकूमत तो दो ही बंदों की है, या जरदारी साहब की या नवाज शरीफ की, इसके अलावा गवर्नमेंट अगर किसी की है तो हल निकलता है। देखिए अब ये मान लें कि इन दो की ही है, अब इन दो को कोई मशवरा दे दे, क्या पता अल्लाह कोई हिदायत दे, नहीं बहुत मुश्किल है। सर वैसे एक बात है कि गैस का बिल तो आ रहा है पर गैस नहीं आ रही, तो ऐसे ही होता है भाई, जो नहीं आती वो उसी का बिल आता है, आएगी तो फिर बिल भरना नहीं पड़ेगा ना आपको यार। ये वाहिद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ पाकिस्तान के पास, और किसी के पास भी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हमारे माशाल्लाह हुकुमरान इतने अच्छे हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिस दिन आवाम के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह उनका खुद ही अच्छा कर देगा। बस कोई राय है जो आप हुकूमत को देना चाहते? कोई राय नहीं है, हुकूमत सबकी राय लेती थी, सही है, हमें कोई राय नहीं देनी, बस इतनी सी इल्तिजा है कि ये गैस बिजली इस पर रिलीफ देते आवाम को तो आवाम सुकून से जी ले। तो हुकूमत को चेंज होना चाहिए, ये सही है? को तो आप जितना भी बोल लो कोई फायदा नहीं, उनकी कोई जू नहीं रिंगने वाली, कुछ भी फायदा नहीं, ये हुकूमत तोड़ी हमारी। तो अभी क्या करें, क्या करें, पाकिस्तान से बाहर भाग जाए क्या करें? बाहर भाग के भी क्या करेंगे यार, जब हमारे पास यहाँ अपने खाने को कुछ नहीं है तो बाहर जाके क्या करेंगे? चले इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं।